Assalamualaikum viewers, welcome back again in our channel Mansoor's Family Vlog। और आज जैसे कि संडे का दिन था, सुबह 11:30 बजे का टाइम, और गर्मी यार यकीन करो आप लोग बहुत गर्मी थी, लेकिन बस मिस्टर बबलू की जो मोहब्बत है कह लो कि उसने जो है हमें खींच लिया कि भाई नहीं भाई संडे का दिन है और वीकली अपडेट हमने अपने व्यूवर्स के साथ जिस तरह से हमने प्रॉमिस किया है वो शेयर करनी है। तो भैया गर्मी वर्मी हमने देखनी और निकल लिए हम मिस्टर बबलू के साथ मीटिंग के लिए, तो बस चल दिए थे गर्मी वगैरह की परवाह किए बगैर, क्योंकि हमने कुछ अपडेट्स भी थी जो लास्ट वीक में हमने आपसे जिक्र किया था मिस्टर बबलू की डिश के हवाले से, खोर के हवाले से, जिसको नॉर्मली खोर कहते हैं, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो अपडेट भी आपके साथ शेयर करनी थी। तो आ गए थे सुबह सुबह शाहान साहब हमारे पास, तो बैठे हम बाइक पे और निकल लिए हम। ये देखें भाई, ये लास्ट वीक की अपडेट, और इस वक्त जो थी उस हमारी जो खोर थी मिस्टर बबलू की, वो अंडर प्रिपरेशन फेज में थी, और ये प्रिपरेशन चल रही थी इसकी लास्ट वीक। और इस वीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी मिस्टर बबलू की खोर तैयार हो गई है, और ये रहे मिस्टर शाहान, ये देखें भाई ये इनका लंच प्रिपेयर करते हुए। तो हम इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि मिस्टर बबलू के लिए लंच में क्या होता है। तो ये देखें भाई, इसको नॉर्मली लोग कहते हैं भूसा भी कहते हैं कुछ लोग इसको तूड़ी भी कहते हैं, और ये मिक्स करते हुए पानी के साथ। तो अब देखते हैं भाई ये क्या क्या मिक्स करते हैं इसमें, लेकिन यार इस बंदे की मोहब्बत को सलाम है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हम 8 से 10 दिन जो हमारे पास बकरा ईद के होते हैं उसमें तो बड़े शौक से करते हैं, लेकिन जब आप जानवर को इतनी मोहब्बत से पूरे साल उस मोहब्बत से पालेंगे तो एक रिज़ल्ट ही उसका अलग होगा। और ये भाई हमने इनसे पूछा था, क्योंकि हमें तो खुद इतनी नॉलेज है नहीं, तो हम तो यही बोलते हैं इनसे भाई ये कोई मक्खन छक्खन खिलाओ, उसे दूध शूध खिलाओ, कोई जान बनाओ इसकी। तो इन्होंने कहा नहीं भाई ये सब जो है सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, बाकी होते होंगे, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, ना हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात करेंगे, लेकिन 20% ऐसे लोग होते हैं कि यार जो बाकी दूध मक्खन शक्कन चल रहा होता है, और ना इन्होंने हमें जो अपडेट दिया उन्होंने कहा भाई ये सब नॉर्मली इसी तरह से चल रहा होता है, और ये क्योंकि जानवर हैं अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके खाने के लिए गजाइत है इसमें, तो हम इनको यही खिलाते हैं। तो इन्होंने बाद में ऐड की थी, आई थिंक इन्होंने जो हमें बताया था वो थी चने की अट्टी, और ये लास्ट में जो इन्होंने वाइट ऐड किया है ये है भूसी। अरे भाई ये तो डिश देखें ज़बरदस्त यार, मिस्टर बबलू को तो चटखारे आ जाएंगे, और हम शेयर भी करेंगे मिस्टर बबलू ने किस तरह से भाई चटखारे लिए इस तमाम चीज़ की। तो ये भाई चल रही थी इनके लंच की प्रिपरेशन, और हम भी देख रहे थे क्योंकि हमें तो कोई नॉलेज थी नहीं, तो लेकिन बस यार मोहब्बत चेक कर सकते हैं आप कि ना किस तरह से हम लोग तो सिर्फ ये है कि बकरा ईद में 8-10 दिन इस तरह से कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इतनी मोहब्बत से पूरा साल जानवर की देखभाल करते हैं, पालते हैं, उसे प्यार देते हैं, और लिटरली इस बंदे का सिर्फ शौक़ है, अपने शौक़ में जो है ये करता है ये तमाम चीज़ें, और ये देखें ये चटखारे ले लेके मिस्टर बबलू स्टार्ट हो गए अपनी अल्हम्दुलिल्लाह नई खोर में, अपनी नई डिश उनकी कह लें कि जिसमें उनको सर्व हुआ ये खाना। तो आप लोग इंजॉय करें मिस्टर बबलू का लंच। और व्यूवर्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी हमारी कि लाजमी यार कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि मिस्टर बबलू की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है या कोई और इस तरह का, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हमें लाजमी बताएं, कोई गाइड करना चाहता है हमें तो बिल्कुल करें, और हमें मिस्टर बबलू की प्रोग्रेस भी आप लोग बताते रहिए, अपडेट करते रहिए कि कैसी चल रही है मिस्टर बबलू की प्रोग्रेस। तो भाई ये अपना लंच एंजॉय कर रहे थे,
और हम गर्मी में बैठे हुए इनको लंच इंजॉय करते हुए सिर्फ देख रहे थे। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।